कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूरज राणा ने टिहरी में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि हमने मेहनत पूरी की थी पर कहीं कोई चूक रह गई होगी। कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और अध्यक्ष की हैसियत से हार की नैतिक जिम्मेदारी भी मेरी है, इसलिए मैंने इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। टीम यूके लाइव टिहरी। जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, आशा है कि वे उनके विश्वास पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। देखिए, जो लोकसभा 2019 का चुनाव था और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया, हम जनता के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और जो यहाँ से चुने हुए सांसद हैं उनको बधाई भी देना चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ उन पर उन्हें चुनकर संसद में भेजा, वो जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, जनहित के कार्य को करने का कार्य करेंगे। यहाँ पर क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इस जिले की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की बनती है। मेरी इसीलिए मुझे लगा कि जिन आशाओं से विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, मुझे खुद को लगता है कि मैं शायद उन आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया। इसलिए मैंने सबसे पहले नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना जरूरी समझा और मैं ये चाहता हूँ, मैं माननीय प्रीतम सिंह जी का, माननीय किशोर उपाध्याय जी का और अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को इस जिले की कमान सौंपी। मैं अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारी महिला कांग्रेस है, हमारे NSUI यूथ कांग्रेस, अन्य जितने संगठनिक प्रकोष्ठों के हमारे अध्यक्षगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने जो मार्गदर्शन किया, जो हमारे साथियों ने सहयोग के रूप में कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके साथ साथ आज मैं प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हम जनहित के मुद्दों पर जब हमने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया, धरने किए, तो उन प्रदर्शन और धरनों को हमारी आवाज़ बनाकर जनता के बीच में जो ले जाने का कार्य किया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।